जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर 2 करेंगे और आज भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। 20 क्वेश्चन है जिसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए मात्र 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। आंसर लिमिट समय में और परफेक्ट होना चाहिए। और बेसिक क्वेश्चन है, जो लोग नए हैं आप भी मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। और क्लास हमारी 2 टाइम अभी होती है, सुबह में 7 बजे से और शाम में 8 बजे से, तो दोनों टाइम आपको क्लास करना कंपलसरी है अगर आपको एनसीसी ज्वाइन करना है तो। और जो होमवर्क दूंगा पढ़ के आइएगा, ठीक है। बाकी आपको मॉडल पेपर सारे कहां पर मिलेंगे तो मैंने आपको यहां पर वेबसाइट का लिंक बता दिया। आप गूगल पर सर्च करेंगे www.tejasnccarmy.com, यहां पर आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, आपको समझ नहीं आता, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बना रखा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो। अगर आप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, और आपको मॉडल पेपर अवेलेबल कर दूंगा। तो जो भी नए फर्स्ट टाइम जिनका क्लास है या फिर जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है। आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली या फिर डी बनारस। तो टाइम शुरू हो चुका है, ओनली 20 सेकेंड, सभी लोग जल्दी से आंसर। एनसीसी का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहां पर है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर बनारस में, कौन सा होगा करेक्ट आंसर। सभी लोग जल्दी से, टाइम आपका चल रहा है, इधर कॉर्नर में आप देख सकते हैं, चलिए टाइम ऑफ हुआ। तो एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एनसीसी गान के रचयिता कौन है, मतलब एनसीसी का जो सॉन्ग है किसने लिखा। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी सुदर्शन फकीर ने, सी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने या फिर डी महर्षि वाल्मीकि ने। टाइम शुरू हो चुका है, आंसर सभी का आना चाहिए। ये सारे बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशली एनसीसी के जो भी क्वेश्चन है एनसीसी रिलेटेड, 100% आपको आंसर पता होना चाहिए। सभी लोग जल्दी से, और 5 सेकंड समय बचा है। एनसीसी गान का रचयिता कौन है, ऑप्शन आपके सामने है, चलिए टाइम ऑफ हुआ। तो एनसीसी गान का रचयिता है सुदर्शन फकीर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताए। ऑप्शन ए जनरल, बी कैप्टन, सी सिपाही या फिर डी मेजर। टाइम शुरू हो चुका है, विच इज द लोवेस्ट रैंक ऑफ द आर्मी, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताए। आंसर सभी का, 4 ऑप्शन सामने, जनरल, कैप्टन, सिपाही या फिर मेजर, कौन होगा परफेक्ट आंसर। चलिए टाइम ऑफ हुआ। तो आर्मी का सबसे छोटा रैंक सिपाही का होता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। गणतंत्र दिवस समझते हैं ना, मतलब रिपब्लिक डे। ऑप्शन ए 15 अगस्त को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 26 जुलाई को या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है, आंसर लिमिट समय में ध्यान देंगे क्योंकि आपको एनसीसी एग्जाम से बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए आपको तेजस चैनल पर अच्छे से तैयारी कराई जाती है लिमिट समय में आंसर। और ये सारे क्वेश्चन न्यू भर्ती के पूछे गए हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, तो पढ़ के आइएगा जल्दी से, टाइगर लोग फास्ट। टाइम अप हुआ। तो भारतीय गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताएं, मतलब हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा देवी त्रिपाठी, बी श्री रामनाथ कोविंद, सी प्रणब मुखर्जी या फिर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। टाइम शुरू हो चुका है, तो आंसर सभी लोग का लिमिट समय में आना चाहिए जल्दी से फास्ट। अभी टाइम है, आराम से आंसर बताइए कि अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है, करंट अफेयर्स है और सबको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए टाइम ऑफ। तो अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है
श्री रामनाथ कोविंद यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनिक, डी यूनिक नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा होगा करेक्ट? टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजेज होता है, तो ध्यान से बताइएगा यूएनओ का फुल फॉर्म कौन सा होगा करेक्ट आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग जल्दी से, और 2 सेकंड का टाइम है। यूएनओ का फुल फॉर्म, चलिए टाइम ऑफ। तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताएं, मतलब हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए भैरव सिंह शेखावत, बी मोहम्मद हामिद अंसारी, सी श्री रामनाथ कोविंद, या फिर डी मिस्टर वेंकैया नायडू। टाइम शुरू हो चुका है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताएं, करंट अफेयर से बेसिक क्वेश्चन, आंसर सभी का आना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम है क्लास में, आपका भी परफेक्ट आंसर होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताएं। चलिए टाइम ऑफ। तो अभी प्रेजेंट में हमारे उपराष्ट्रपति है मिस्टर वेंकैया नायडू, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करो या मरो का नारा किसने दिया? डू एंड डाई, ये स्लोगन किसका है? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने, या फिर डी महात्मा गांधी ने। कौन सा होगा करेक्ट? टाइम शुरू हो चुका है। करो या मरो का नारा किसने दिया? चार ऑप्शन आपके सामने है, इट्स वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, या फिर महात्मा गांधी ने। जल्दी से टाइम अप। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस मतलब नेवी डे, ध्यान देंगे नेवी डे पूछ रहा, कब मनाते, किस डेट को। दिवस मतलब ओनली डेट होता है, बता रखा हूं ना आपको डेट। ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को, या फिर डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, मतलब नेवी डे किस डेट को मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, या फिर 26 जनवरी को मनाते। चलिए टाइम अप। तो नौसेना दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कोविड-19 का फुल फॉर्म लिखे। कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछा, ऑप्शन ए कोरोना वायरस डायग्राम, बी कोरोना वायरस डिजीजेज, सी कोरोना वायरस डिजीजेज, सॉरी ये कोविड वायरस डिजीजेज, ध्यान देंगे बी में, सी में कोरोना वायरस डिजीजेज, और डी कोविड-19 डिजीज। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म में ध्यान देना, मिस्टेक बहुत होता है इसमें। कोविड-19 का फुल फॉर्म, ऑप्शन ए में कोरोना वायरस डायग्राम, बी कोविड वायरस डिजीजेज, सी कोरोना वायरस डिजीजेज, या फिर डी कोविड-19 डिजीजेज। जल्दी से टाइम अप। तो कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीजेज, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1887 में, बी 1985 में, सी 1885 में, या फिर डी 1947 में। टाइम शुरू हो चुका, सभी लोग जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1887, बी 1985, सी इन 1985, या फिर डी 1947। सभी लोग जल्दी से, इट्स वेरी सिंपल, चलिए टाइम ऑफ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, यानी हु इज द प्रेजेंट
डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए श्रीमती निर्मला सीतारमन, बी श्री राजनाथ सिंह, सी अरुण जेटली या फिर डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। टाइम शुरू हो चुका है, चार ऑप्शन आपके सामने है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, मतलब डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? निर्मला सीतारमन, श्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली या फिर जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। हरी अप, टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा श्री राजनाथ सिंह, अभी हमारे भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आराम हराम है का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी भगत सिंह ने या फिर डी जवाहरलाल नेहरू ने। टाइम शुरू हो चुका है, आराम हराम है का नारा किसने दिया, मतलब किस व्यक्ति ने? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी भगत सिंह ने या फिर डी जवाहरलाल नेहरू ने। और ये वाला क्लास का ये फॉर्मेट कैसा लग रहा है आपको, इसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम अप करो, आराम हराम है का नारा ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, SDM का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए सब डिविजन मजिस्ट्रेट, बी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डी सब डिविजनल मैरिन। टाइम शुरू हो चुका है, फुल फॉर्म है, थोड़ा सा भी अगर आपका कंसेंट्रेशन इधर उधर हुआ तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, तो ध्यान से SDM का फुल फॉर्म लिखे सभी लोग जल्दी से, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करेंगे। चलिए टाइम अप, तो SDM का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पहला मुगल शासक कौन था, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां या फिर डी हुमायूं। टाइम शुरू हो चुका है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर? ऑप्शन ए में है अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां या फिर डी हुमायूं, विच इज द परफेक्ट आंसर। सभी लोग जल्दी से टाइगर हो, चलिए टाइम अप। तो पहला मुगल शासक बाबर था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ध्यान देंगे, इसमें किसी देश का नाम नहीं है, आप ये मत समझना भारत का पूछ रहा है, ये विश्व का पूछ रहा है। सबसे ऊंचा पर्वत, ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी हिमालय पर्वत, सी माउंट एवरेस्ट या फिर डी अरावली पर्वत। टाइम शुरू हो चुका है, तो टाइगर लोग जल्दी से, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसमें नहीं लिखा हुआ कि विश्व का, बट आप समझ जाइएगा जो भी तेजस का टाइगर लोग है, मैंने आपको समझा दिया है कि सबसे ऊंचा पर्वत मतलब विश्व का पूछ रहा है, पूरी दुनिया का, कंचनजंगा, हिमालय, माउंट एवरेस्ट या फिर अरावली। चलिए टाइम अप, तो सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए मच्छर के काटने से, बी कुत्ते के काटने से, सी बिल्ली के काटने से या फिर डी चूहे के काटने से। टाइम शुरू हो चुका है, चार ऑप्शन आपके सामने है। मलेरिया ये एक बीमारी है, रोग है, तो ये किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में मच्छर काटने से, बी कुत्ता के काटने से, सी बिल्ली के काटने से या फिर डी चूहे के काटने से। और 2 सेकेंड, हरी अप, टाइम अप। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन वही है, कारगिल विजय दिवस या फिर पूछता है कारगिल दिवस, तो सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन है 26 जुलाई को, बी 16 दिसंबर को, सी 15 अगस्त को या फिर डी 26 जनवरी को मनाते हैं। टाइम शुरू हो चुका है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? दिवस मतलब डेट, पहले ही आपको समझा दियो, कोई गलती से भी ईयर नहीं लिखेगा इसमें, क्योंकि ये हर साल मनाते हैं। 26 जुलाई,
16 दिसंबर, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी। जल्दी सभी लोग, चलिए टाइम ऑफ हुआ। तो कारगिल दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाते, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एस आई का फुल फॉर्म लिखे। बहुत ही सिंपल फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए सब्जेक्ट इंस्पेक्टर, बी सब इंस्पेक्टर, सी सब इंस्पेक्शन या फिर डी सूबेदार इंस्पेक्टर। टाइम शुरू हो चुका है, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? एस आई का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए में सब्जेक्ट इंस्पेक्टर, बी में है सब इंस्पेक्टर, सी में है सब इंस्पेक्शन या फिर डी सूबेदार इंस्पेक्टर। सभी लोग जल्दी से, चलिए टाइम अप। तो एस आई का फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी, मतलब तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी। ऑप्शन ए स्मिता सभरवाल, बी अपराजिता राय, सी संगीता कालिया या फिर डी किरण बेदी। टाइम शुरू हो चुका, सभी लोग जल्दी से, और इसका आंसर बता के आप लोग कमेंट करेंगे कि आप किसका कितना सही है, 20 में 20 किसका सही, मतलब विनर कौन है, और जिनका कम सही आप भी बताएंगे कि आपका कितना सही है। और 2 सेकंड, प्रथम महिला आईपीएस, चलिए टाइम अप। तो प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी बनी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे, 20 में 20 किसका है और आपका कितना सही है, जल्दी से कमेंट करेंगे, झूठ कोई नहीं बोलेगा। और ध्यान देंगे, एनसीसी भर्ती नियुक्त परीक्षा 2022 भर्ती जब भी होगी, वैसे जून जुलाई में होती है, जब भी होगी भर्ती आपको मैं क्लास में सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है, और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। क्लास दो टाइम होती है, रेगुलर क्लास कीजिएगा, अभी मॉर्निंग टाइम है आपका 7 बजे से, सुबह में 7 बजे से, और इवनिंग में यानी शाम में क्लास होती है 8 बजे से, तो दोनों टाइम क्लास कंटिन्यू, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन रिटर्न पे होता है। फिजिकल का आपको बताऊंगा कैसे करना है, बाकी मॉडल पेपर्स मैंने आपको बता दिया, गूगल पर आप सर्च करेंगे www.thesncrm.com, यहाँ पर सारे मॉडल पेपर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक मैंने, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रखा है। बाकी आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट क्लास कंटिन्यू, और अपने दोस्त को भी बताइएगा जिनको एनसीसी ज्वाइन करना है, जिनको पता नहीं कि क्लास होती है तेजस एनसीएमई चैनल पे, उनको बताइएगा टाइम क्लास की दोनों, और उनको साथ में लेके आइएगा। और टेलीग्राम पर ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा न्यू भर्ती का, वहां पर मैं खुद मॉडल पर देता हूँ। तो क्लास कंटिन्यू सब लोग पढ़ गएगा, 100% सिलेक्शन आपका होगा, बट कब, जैसा आपको तेजस चैनल पर बताता हूं आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिजिकल की आप तैयारी करते रहो, वाइज लोग 5 किलोमीटर स्लो रनिंग अभी, क्योंकि फिजिकल को मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो अपलोड करके कैसे क्या करना है, बट अभी 5 किलोमीटर स्लो रनिंग फॉर स्टेमिना। गर्ल्स लोग 3 किलोमीटर, बॉयज 30 पुशअप्स 30 सीटअप, गर्ल्स लोग 5 पुशअप 10 सीटअप्स, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट, ठीक है। बाकी मैं आपको एनसीसी भर्ती की ओरिजिनल वीडियो दिखाऊंगा कि भर्ती होती कैसे, फिजिकल टेस्ट भी टफ होता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल क्लास में, आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। क्लास कंटिन्यू, अभी के लिए इतना ही, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।